वोक ऑडियो में स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और डॉक्टर अर्पण जैन अविचल की लिखी हुई हिंदी पत्रकारिता पर एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक पत्रकारिता और अपेक्षाएं आपके लिए लेकर आया हूं। और पिछले अंक में चर्चा हम कर रहे थे मातृभाषा उन्नयन संस्थान की। आज हम चर्चा करेंगे मातृभाषा उन्नयन संस्थान के मुख्य उद्देश्य क्या है। साथ से जोड़ो अपना साथ। विश्व के सभी बड़े देशों की अपनी एक भाषा ऐसी है जो उस देश का प्रतिनिधित्व करती है जिसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। किंतु विडंबना यह है कि भारत की कोई भी आधिकारिक राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत में 50% से अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है और इसमें वो लक्षण भी हैं जो राष्ट्रभाषा होने के लिए अनिवार्य है। इसलिए संस्थान हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयासरत है। जागरूकता। हिंदी भाषा को लेकर दक्षिण आदि प्रांत में भ्रम है, जागरूकता का अभाव है और भाषा के वर्चस्व की लड़ाई को लेकर राजनीति जारी है। ऐसे समय में संस्थान राष्ट्रव्यापी जागरूकता के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रही है, जागरूकता फैला रही है। रोजगार मूलक। किसी भी भाषा की सर्वस्वीकार्यता तभी संभव है जब वो समृद्ध होने के साथ साथ बाजार द्वारा भी स्वीकार की जाए। वर्तमान में भारत में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बाजार पर कब्जा जमाने के लिए लाए थे। भारत विश्व का दूसरा बड़ा बाजार है तो इस दौर में संस्थान भारत में रोजगार मूलक भाषा बनाने के लिए भी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। न्याय की भाषा। जनता को जनता की भाषा में न्याय नहीं मिलता। अंग्रेजी की विधि शब्दावली क्लिष्ट होने के कारण भारत की बोली वाली जनता अनावश्यक कष्ट झेलती है। इसलिए संस्थान 50% से अधिक बोली समझे जाने वाली हिंदी भाषा और स्थानीय भाषा में न्यायालय की कार्रवाई की स्थापना के लिए भी प्रतिबद्ध है। त्रिभाषा में भाषा व्यवस्था। दौलत सिंह कोठारी आयोग की सिफारिश अनुसार देश में मिलने वाली शिक्षा में 3 भाषाओं, मातृभाषा हिंदी और विदेशी भाषा में अध्ययन की अनिवार्यता हो। संस्थान इसके लिए भी प्रतिबद्ध है। तकनीकी दक्षता। वर्तमान युग तकनीकी युग है और ऐसे दौर में हिंदी भाषा के प्रभुत्व को स्थापित करने और संवर्धन के लिए आवश्यक अंग है इसका तकनीकी रूप से सबल होना। हिंदी के अस्तित्व को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए पूर्ण निष्ठा से संस्थान हिंदी के रचनाकारों और उनके लेखन को संग्रहित कर प्रचार प्रसार करेगा जिससे हिंदी की भव्यता चिरकाल तक स्थायी रहे और तकनीकी पहलुओं पर हिंदी को सबल बनाने के लिए संस्थान प्रतिबद्ध है। साहित्य शुचिता। किसी भी भाषा वैभव का पता उसके समृद्ध साहित्य भंडार से चलता है। हिंदी की गौरवशाली परंपरा तो बहुत समृद्ध है किंतु वर्तमान में थोड़े दोष आने लगे हैं। मातृभाषा उन्नयन संस्थान उन दोषों के अवमूलन हेतु कार्य करेगा। बात आती है कैसे होगी आंदोलन की स्थापना। भारत में हिंदी प्रचार आंदोलन की स्थापना के लिए मातृभाषा उन्नयन संस्थान द्वारा एक खाका बनाया गया है। इसके अनुसार भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 545 संसदीय क्षेत्र आते हैं और लगभग 4120 विधानसभा, 700 से अधिक ज़िले हैं। इन सभी संसदीय क्षेत्रों, विधानसभाओं, ज़िलों में 10,000 से अधिक हिंदी योद्धाओं का निर्माण करके मातृभाषा उन्नयन संस्थान भारत के 125 करोड़ से अधिक देशवासियों तक हिंदी प्रचार आंदोलन को पहुँचाने के लिए संकल्पित है। हिंदी योद्धा के कर्तव्य। आज हिंदी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हमें जुटकर हिंदी का प्रचार प्रसार करना होगा। हस्ताक्षर बदलो अभियान को अपने क्षेत्र में संचालित और प्रचारित करना होगा। हिंदी लेखन करने वाले साथियों को आय दिलवाने में मदद करनी होगी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उसे बाजार मूलक भाषा बनानी होगी। हिंदी साहित्य को आम जन तक पहुँचाना होगा और हिंदी के प्रचार हेतु क्षेत्र में हिंदी प्रेमियों का समुच्चय बनाकर प्रतियोगिताएं, कार्यक्रम आदि का संचालन करना होगा। इसी के साथ ही पत्रकारिता और अपेक्षाएं डॉक्टर अर्पण जैन अविचल की लिखी हुई इस पुस्तक का समापन होता है और फिर किसी पुस्तक के साथ हाजिर होऊंगा मैं आपका दोस्त ब्रजेश। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।